इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 29। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 29। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्ची के काम के लिए रंग रंग के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं, अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना और 7000 किक्कार तपाई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की भीते मढ़ी जाए और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तु के लिए चांदी और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे दे देता हूं। और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है? तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कार और 10000 दरकनोन सोना, 10000 किक्कार चांदी, 18000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। और जिनके पास मनी थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यहीएल के हाथ में दे दिए। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। तब दाऊद ने अपनी सभा के सन्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या कहूं और मेरी प्रजा क्या कहे कि हम तो इस रीति से अपने इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तू ही ने तो सब कुछ हमें दिया है, तू ही से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराये और परदेशी है। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहां उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख और मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खड़ा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब
सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया और दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए अर्थात अर्घों समेत 1000 बैल 1000 मेंढे और 1000 भेड़ के बच्चे होमबलि करके चढ़ाए और सब इसराइल के लिए बहुत से मेलबलि चढ़ाए। उसी दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक होने के लिए सादोक का अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और भाग्यवान हुआ और इसराइल उसके अधीन हुआ और सब हाकिमों और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता अंगीकार की और यहोवा ने सुलेमान को सब इसराइल के देखते बहुत बढ़ाया और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसा उसके पहले इसराइल के किसी राजा का न हुआ था। इस प्रकार ईशे के पुत्र दाऊद ने सारे इसराइल के ऊपर राज्य किया और उसके इसराइल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया और वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और विभव मनमाना भोग कर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके सब राज्य और पराक्रम का और उस पर और इसराइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी और नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है।